हेलो स्टूडेंट्स, रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल सुने होंगे जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करने वाला है सीबीएसई, या सीबीएसई ओपन बुक एग्जाम ट्रायल बेसिस पे करवाने वाला है। तो इसके बारे में हम आज देखेंगे कि ये ओपन बुक एग्जाम है क्या और इसके क्या क्या रिपरकशंस या क्या फायदे हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसको ट्रायल बेसिस पे अभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। न्यूज क्या है कि सीबीएसई, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है हमारे गवर्नमेंट का, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो ट्रायल बेसिस पे ओपन बुक एग्जामिनेशन कराना चाहती है। कौन सी क्लासेस के लिए? 9th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। मेनली 9th और 10th में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, फॉर क्लासेस 9th, 10th, इनको ट्रायल बेसिस पे किया जाएगा। और साथ ही साथ 12th वालों के लिए कौन से सब्जेक्ट्स होंगे? इंग्लिश, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट्स होंगे हमारे 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए। और ये कुछ इंडिया के कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स में ही किया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ये ओपन बुक एग्जाम क्या होगा। इसका मतलब, जैसे कि वर्ड रेफर करता है ओपन बुक एग्जाम, मतलब इन दिस स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने साथ बुक या सप्लीमेंट्री मटेरियल ले जा पाएंगे और जब वो एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था हमारे में कि हम जाते थे, खुद से याद करके जाते थे और अगले दिन उसको एग्जाम में लिखते थे। रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, ये चीज़ें ज़्यादा फैक्टर होती थी हमारे एग्जाम कंडक्टिंग के टाइम पे। बट इसमें क्या है कि बच्चों को बुक ले जाने की अनुमति रहेगी। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से बुक ले जाने के अलाउड है, दो टाइप के ये ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। उसमें क्या है, एक तो फॉर्म है रिस्ट्रिक्टेड वाला। रिस्ट्रिक्टेड एज मीन कि जो बुक्स या जो स्टडी मटेरियल अथॉरिटी द्वारा अलाउड होंगे, सिर्फ वही स्टडी मटेरियल्स ही स्टूडेंट अपने साथ कैरी करके ले जाएंगे। और दूसरा चीज़ क्या होगा कि वो फ्री टाइप होगा। दूसरा होगा फ्री टाइम, स्टूडेंट्स कैन ब्रिंग एनी मटेरियल दे फाइंड रिलेवेंट। अब जैसे स्टूडेंट है, जैसे साइंस का एग्जाम है, तो उसमें क्या है, वे कोई भी मटेरियल अपने हिसाब से जो उसको रिलेवेंट लगता है वो उसको अपने साथ एग्जाम हॉल में ले जा सकता है। अब मेन पर्पस क्या है ये OBE का, ओपन बुक एग्जाम का? पहले क्या था कि हम सोचते थे कि हमें ये फॉर्मूलाज, फैक्ट्स या डेफिनेशन सिर्फ याद करके और एग्जाम में लिखना होता था। बच्चों के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती थी, एनालिटिकल स्किल डेवलप नहीं होते थे, जो कि ऑब्जर्व किया गया था पिछले कुछ सालों में जो अभी हमारा एजुकेशन का सिस्टम चल रहा था। तो इस चीज़ को चेंज करने के लिए, ताकि बच्चे जो अगर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं या इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, तो उसके कोर तक जाएं कि उसका इफेक्ट क्या होगा, उसकी करंट हमारे कंट्री में उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, वो इन्फ्लेशन एक आम स्ट्रीट वेंडर को, एक बिजनेसमैन को, एक हाउस होल्ड को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो क्वेश्चंस क्या होंगे, बहुत एनालिटिकल होंगे, थिंकिंग को अराउज करेंगे, लोगों को स्ट्राइव करेंगे। यस, यू हैव टू थिंक कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस या व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एनी फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल साइंस में भी हम लाइट पढ़ेंगे या फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ा, उसको बाय हार्ट लर्न किया और अगले दिन एग्जाम में आके उसको हम कंडक्ट करके उसको लिख के आ रहे हैं। उसका एक्चुअल एप्लीकेशन इन आवर डे टू डे लाइफ, दिस इज द मोटिव ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। नाउ पीपल आर थिंकिंग कि क्या ये नया कॉन्सेप्ट है, कि ये अभी इंट्रोड्यूस किया गया है या पहले भी कभी किया गया है? तो ये नया फिनोमेना नहीं है, इसको पहले भी सीबीएसई ने कंडक्ट किया था 2014 में, एज अ ट्रायल बेसिस इन्होंने किया था, मतलब स्टार्ट कर दिया था 2014 से एज अ ओपन टेस्ट बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, ये शुरुआत की गई थी ताकि बच्चों में क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर दिया जाए, बट इसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए गए, नहीं दिखे। तो इट्स इनएबिलिटी टू कल्टिवेट द क्रिटिकल एबिलिटीज अमंग द स्टूडेंट्स, ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2017-18 एकेडमिक ईयर में। तो ये एक बार ट्रायल बेसिस पे किया गया था ओपन बुक। दूसरी बार जब 2019 में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने ओपन बुक एग्जाम को अलाउ किया गया था एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो ये भी एक ट्रायल बेसिस पे कराया गया था। और साथ ही साथ जब हमने पेंडेमिक का सिनेरियो देखा था इंडिया में, जब कोरोना का टाइम चल रहा था, स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज ने, जैसे कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटीज, इन सब यूनिवर्सिटीज ने ओपन बुक टेस्ट कंडक्ट किए थे टू असेस द स्टूडेंट्स। अब इसका हम क्या देखेंगे, अब लोग क्या, मन में क्या है, पॉपुलर ओपिनियन क्या है कि हमारा जो ओपन बुक होगा वो काफ़ी इजी होगा, बच्चों के सामने बुक होगी और वो उनके लिए कंफर्टेबल होगा। बट ऐसा नहीं है, पॉपुलर दिमाग में, मतलब पॉपुलर ओपिनियन ये डेवलप हो रही है कि अब ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी तो बच्चों के लिए बहुत ईजी होगा, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। इसको क्या क्यों इज नॉट ट्रू होगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन होंगे
होंगे वो ट्रेडिशनल फॉर्म फैक्ट्स और डेफिनेशन पे बेस्ड नहीं होंगे, और अब वो कैसे होंगे, बियॉन्ड फैक्ट्स और डेफिनेशंस होंगे, उनको एनालिटिकल बनाया जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। और ये सबसे इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण किसकी भागीदारी होगी, टीचर्स की, क्योंकि टीचर्स ही जो है उनको क्वेश्चंस ऐसे बनाने पड़ेंगे जो फैक्चुअल ना हो, एनालिटिकल हो, बच्चों की थिंकिंग को और एनहेंस करें, उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बनाए। तो ये एक चैलेंज जो होगा स्टूडेंट्स के लिए भी, साथ ही साथ टीचर्स के लिए भी, कि वो कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि रोड लर्निंग के ना जगह होके उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलपमेंट के थ्रू और बेटर स्किल पर्सन डेवलप हो पाए। ठीक है, अब इसमें क्या है, अभी क्यों गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि अभी से हम नवंबर दिसंबर में ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, ये अभी का फिनोमिना नहीं है। हमें पता है कि 2020 में क्या आया था, हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसका एक फंडामेंटल क्या था, प्राइमरी रिफॉर्म उसने क्या सजेस्ट किया था कि रोट मेमोराइजेशन है उसको हटाना पड़ेगा, हमें कॉम्पिटेंसी और इफिशियंसी की तरफ डेवलपमेंट होगा ताकि बच्चे स्किल्ड हों। आफ्टर ट्वेल्थ हम देखते हैं कि बच्चे एम्प्लॉयबल नहीं होते, या ग्रेजुएशन के बाद भी हमारे एजुकेशन सेक्टर ऐसा है कि बच्चे इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं होते, या नए एडवेंचर या नए वेकेशनल स्किल्स नहीं होती उनके अंदर। तो ये बात की गई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए साथ ही साथ नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क आया था फॉर स्कूल एजुकेशन, ये आया था 2023 में। ठीक है, 2023 में आया था उसी को बेस बनाने के लिए। अब क्या है, हर साल एग्जाम हो रहे हैं, याद करके मार्क्स लाने हैं, तो उसकी वजह से बच्चों के दिमाग में एक फियर क्रिएट होता है, स्ट्रेस का माहौल क्रिएट होता है। तो उस चीज़ को हटाने के लिए अब CBSE जो है ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। तो किस चीज़ों को बेसिस बना के, एक तो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, एक ड्रास्टिक चेंज माना जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, और साथ ही साथ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को अपना बना के बेस बना के ये ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके ऊपर रिसर्च क्या कहते हैं। ठीक है, रिसर्च में अभी यही पाया गया है, एक रिसर्च कराया गया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एम्स भुवनेश्वर द्वारा, कि अगर हम स्टूडेंट्स ओपन बुक एग्ज़ाम्स देते हैं या एग्ज़ाम्स करते हैं तो ये लेस स्ट्रेसफुल होता है, इट इज़ बीइंग लेस स्ट्रेसफुल। हम काफ़ी सिनेरियो आजकल का जो माहौल है, जो एनवायरमेंट है, वो क्या है, बच्चे लोनलीनेस, डिप्रेशन, मेंटल प्रेशर, मेंटल हेल्थ इशूज बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो स्टडी कंडक्ट की गई थी उसमें पाया गया कि ओपन बुक एग्ज़ाम जो है हमारे स्ट्रेस को कम करता है। साथ ही साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने भी एक असेसमेंट निकालते एक स्टडी की थी, जिसमें इसमें भी इन्होंने ये पाया कि ओपन बुक एग्ज़ाम क्या कराता है, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक नया इनोवेटिव मेथड है गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करना चाहती है, और होपफुली इसका गवर्नमेंट का इरादा है कि इसको एक दो साल में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये चैलेंज होगा हमारे टीचर्स के लिए भी, और सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये होगी कि टीचर्स खुद प्रिपेयर होके आए। अगर टीचर्स उस लेवल से प्रिपेयर होके आते हैं कि बच्चों में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर पाए, तभी वो आगे अपने स्टूडेंट्स को और बेटर अंडरस्टैंडिंग दे पाएंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड।